अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है ये तीन टूल्स के मतलब, जिसमें एक लेसर टूल आता है, एक पॉलीगोनल लेसर टूल आता है और एक मैजिक लेसर टूल आता है। इन तीन टूल्स का डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा और क्या किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है वो सब कुछ मैं आपको इस क्लास में डिटेल में बताऊँगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक करें सब्सक्राइब पे। इसी वीडियो के राइट बॉटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको कहूँगा, अगर आप इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं तो उसकी तमाम क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस रहती हैं तो वो वक्त के साथ साथ मैं देता रहूँगा, तो आप उधर से जाके मेरी प्लेलिस्ट से जाके वो सब क्लासेस सीख सकते हैं। चले चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक दोबारा से फैशन मैन लिखा और जो है ये इमेज मैंने जो है सेव कर लिया है, और मैं इस इमेज को ले आता हूँ अपने फ़ोटोशॉप पे। ड्रैग एंड ड्रॉप जस्ट करना है जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अदरवाइज़ आप इम्पोर्ट करके भी पिक्चर को ला सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप ईजी वे है, सो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप को ज़्यादा वो कंसिडर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास लेसो टूल। लेसो टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, लेसो टूल का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। लेसो टूल का मतलब ये है कि लेसो टूल बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। ये आप देख सकते हैं, इस लेसो टूल में माउस टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो है ना, कि लेसो टूल को आप जो है ना, ये बिल्कुल वर्क करेगा एज ए माउस। माउस को जिस तरह आप मूव करेंगे उसी हिसाब से ये सिलेक्शन करेगा। फर्ज करें ये इस तरह मैं रोटेट कर रहा हूँ और अपने माउस को मैं रोटेट कर रहा हूँ, और जो है फर्ज करें इसकी गर्दन तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जिस तरह मैंने माउस यूज़ मूव किया उसी तरह उस लेसो टूल ने उस पर अप्लाई होने शुरू हो गया। तो इसमें भी लेसो टूल में भी हमारे पास ये ऑप्शन आ रही होती है कि हम इस पर और सिलेक्ट कर सकें। मैं इसके ये मैंने सिलेक्शन कर लिया, अभी मैं चाह रहा हूँ इसमें प्लस हो जाए। ये देखिए आप प्लस लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज़ अगर मैं इतना सेलेक्ट करना है तो ये देखें ये चीज़ इसमें प्लस हो गई। अगर मैं माइनस करना चाह रहा हूँ तो सेम टू सेम लास्ट वाले टूल की तरह इसमें भी ऐसा ही होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये जस्ट आपने इस तरह सिलेक्शन करनी है और ये देखें सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर आपने न्यू बनाना है तो ये इस पर क्लिक करके आप न्यू दोबारा से कर सकते हैं, और इसमें भी आप फीदर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि फीदर अप्लाई हो सकता है। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी और सेकंड क्लास नहीं देखी तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फर्स्ट और सेकंड क्लास देखें ताकि आपको डिटेल में चीज़ों का पता लगता रहे। तो ये था हमारे पास लेसर टूल, सिंपल सा लेसर टूल के आपको मैंने सिलेक्शन करके बताया कि आप जो चीज़ आप सिलेक्शन करना चाहेंगे वो आप इजीली सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन जस्ट इसमें ये नुकसान है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन सिर्फ इसमें ये नुकसान है कि इसमें जो है ना, आपको माउस की कर्सर के मोमेंट के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलती है, अदरवाइज़ आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। और दूसरी सिलेक्शन भी इसके, अगर आप जो है ना पिक्चर एडिटिंग कर रहे हैं, आप बैकग्राउंड रिमूवल करना चाह रहे हैं, तो इस तरह आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आएगी लेसो टूल के हिसाब से। अगर आपका फुल ग्रिप नहीं है माउस पे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लेसो टूल ना यूज़ करें। लेसर टूल सिर्फ वही बंदा यूज़ कर सकता है जो कि पेन जो है ना, सेंसर पेन के हिसाब से माउस को यूज़ कर रहा है। इसके पेन के थ्रू उसकी जो है ना, एक जो डिजिटल पेंटिंग करते हैं लोग, जो जिनका ग्रिप होता है माउस पे, तो वो जो है ना लेसर टूल यूज़ करके वो काम कर सकते हैं। तो इस पर भी अगर आप चाहें तो आप F6 करके इस पर फीदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने बिल्कुल माइंड में रखना है कि अगर आप जो है, अगर पिक्चर क्रॉपिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूवल कर रहे हैं, तो मेंस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक्यूरेट आपने सिलेक्शन करनी है, उसके बाद ही आपने फीदर अप्लाई करना है। और कितना फीदर आपने अप्लाई करना है, 0.5 या 1, इससे जो है ना आगे पीछे आपने नहीं करना, क्योंकि ये एक स्मूथनेस ले आएगा। अगर आप इसमें 90 अप्लाई करते हैं, 30 अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल आर्ट जी दबाऊंगा जिस तरह मैंने आपको क्लास में समझाया था। तो F6 मैं दबाता हूँ, इसको मैं 90 का फीदर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी सारी सिलेक्शन ही ख़राब होगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है आपने कि अगर आप
पिक्चर के बैकग्राउंड को आप रिमूव करना चाह रहे हैं और न्यू बैकग्राउंड लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फीडर हमेशा 0.5 या 1 रखना है। जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो एडिटर्स होते हैं, वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं। हमारे पास एक टूल है, वही चीज़ बैकग्राउंड रिमूवल की आप 10 टूल से कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप किस चीज़ को इजी समझते हैं, किस चीज़ से आप जो है ना ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं। सेकेंडली, जो हम लेसर टूल को यूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास कि जो है ना हम लोग कुछ रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लेसर टूल को। वो कैसे यूज़ करेंगे? फ़र्ज़ करें कि मैंने जो है ना एग्ज़ाम्पल के लिए इमेज सेव कर ली और मैं इसको जो है ना ले आता हूँ अपने फ़ोटोशॉप पे। तो अब अपने फ़ोटोशॉप पे मैं चाहता हूँ कि लेसर टूल से इस बंदे को, ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर खींच रहा है, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक्स्ट्रा बंदा है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेसर टूल जैसे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसको सिलेक्शन कर लूँगा। ओके, ये मैंने सिलेक्शन कर ली। फिर उसके बाद एडिट पे गया मैं और फिल पे गया। फिल पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रही होती हैं, लेकिन आपने जो सिलेक्ट करना है वो कंटेंट अवेयर करना है। कंटेंट अवेयर से क्या होगा, फ़र्क 100% होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए 100%। ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये बंदा रिमूव हो गया है, इसने बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया है और ये चीज़ें हमारे सामने आ गया है। तो नेक्स्ट टूल जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है पॉलीगोनल लेसर टूल। पॉलीगोनल लेसर टूल, जब मैं शुरू शुरू में एडिटिंग शुरू की थी तब मैं पॉलीगोनल लेसर टूल यूज़ करता था, लेकिन अब तो मैं ये टूल यूज़ नहीं करता, लेकिन पॉलीगोनल लेसर टूल मैं यूज़ करता था। उसका क्या फ़ायदा है, फर्ज करें इसको फुल जूम करना है। फुल जूम का मैंने आपको शॉर्टकट बताया, कंट्रोल स्पेस आपने दबाना है जस्ट, और कंट्रोल आल्ट स्पेस का मतलब है कि आपने बैक चले जाना है। स्पेस प्रेस किया और ये देखें आराम से आप इसको यूज़ करके आप इसको क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्पेस दबा के ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जस्ट स्पेस। क्लोजअप इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये इस टूल का ज़रूरी है कि आपने अगर ये टूल यूज़ करना है तो आपको ज़्यादा क्लोजअप करना पड़े। ओके, मैं जस्ट लेफ़्ट क्लिक करके इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, जिस तरह की भी सिलेक्शन हो सकती है वो इस टूल में मैं आपको करके बताता हूँ। जल्दी जल्दी में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसकी सिलेक्शन कैसे हो सकती है। इसको फुल जूम कर लिया मैंने और मूवमेंट कर रहा हूँ जस्ट, और क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने से वो जगह पे एक डॉट लगा देगा और आप आगे मूव कर सकते हैं। अगर आपका कोई गलत लग गया है तो आपने जस्ट बैक स्पेस दबाना है। ओके, बैक स्पेस का भी बटन आपके पास आ रहा होता है जो कि डिलीट और प्लस के आसपास ही होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपसे कोई गलत सिलेक्शन लगी है आपने जस्ट बैक स्पेस दबा देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली है और अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये चीज़ मेन चीज़ तुम आप लोगों ने माइंड में ज़रूर रखनी है, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल हो गया हूँ, मैंने जो है ना इसकी लेयर की कॉपी नहीं ली। कॉपी ज़रूर लेनी है आपने मस्ट, क्योंकि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि अगर आपसे गलत एडिटिंग हो गई है तो आप उसको दोबारा से वो सेट कर सकें। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी माइंड में नहीं रखी, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखना है। तो ये चीज़ मेरे पास बन गई, मैं इसको डबल क्लिक ओके करता हूँ और शिफ्ट F8 दबाता हूँ, शिफ्ट F7 दबाता हूँ ताकि इसकी
बैक साइड से सिलेक्शन हो जाए और F6 दबाता हूँ। ओके, इस पे मैं करता हूँ जी मुझे वन का फीडर दे दो। वन का इसने मुझे फीडर दे दिया और जस्ट मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूं, इसके बैक साइड पे न्यू लेयर पे सिलेक्ट करके मैं एक ब्लैक कलर का लगा लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त था इफ़ेक्ट उसने दिया। ये चीज़ बैकग्राउंड रिमूवल के लिए मैं शुरू शुरू में यूज़ करता था, लेकिन देखें कितना ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट इसने दिया। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कंट्रोल आल्ट जी में करता हूँ, कंट्रोल आल्ट जी मैंने किया, ये फिर दोबारा बैक पे मैं ले आया। ओके, और बैक कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट F8 दबाता हूँ, शिफ्ट F7 दबाता हूँ, शिफ्ट F6 दबाता हूँ, शिफ्ट F6 दबाता हूँ, लेकिन फीडर अप्लाई नहीं करता, कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा फीडर ना अप्लाई करने का क्या फ़र्क है और फीडर अप्लाई करने का क्या फ़र्क है। जस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक लेयर बना लेता हूँ और एक नीचे लेयर बना लेता हूँ। बैक इस पे बैक करता हूँ, ये मैंने बैक कर लिया और इसको इधर ला के किया। आप देख सकते हैं कि इसमें एजेस आ रहे हैं, लेकिन जब आप फीडर अप्लाई करते हैं तो ये एजेस नहीं आते। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि फीडर ज़रूर अप्लाई करें, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा एडिटिंग में। ओके, कंट्रोल आर जी करता हूँ मैं, बैक स्पेस मैंने किया। ओके, अब नेक्स्ट टूल जो लास्ट टूल मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है मैजिक लेसर टूल। मैजिक लेसर टूल का क्या फ़ायदा है कि जिस जगह पे आप इसको मोमेंट करेंगे ये खुद ब खुद उसकी सिलेक्शन बना लेगा, आपको लेफ़्ट क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आपको लेफ़्ट क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप मूवमेंट करेंगे ये खुद ब खुद सिलेक्शन बना लेगा। बैक स्पेस किया, अगर आप क्लिक कर सकते हैं, गलत लग रही है सिलेक्शन तो आप क्लिक कर भी सकते हैं। ओके, तो ये जल्दी जल्दी में मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। मीन्स के फोटोशॉप अपनी मर्ज़ी से बैक स्पेस करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से ये सिलेक्शन करके देगा आपको, तो ये सिलेक्शन हो गई। तो इसमें भी फीडर अप्लाई करके आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और एक न्यू लेयर बना के बैक पे कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करूँगा और ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने। तो ये आप देख सकते हैं आपने मैजिक टूल से कितना ज़बरदस्त सा इसको बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। तो अलग से प्रैक्टिकल क्लास में आपको समझाऊंगा कि कौन सा टूल आप यूज़ करें, वाकई यूज़ करें, जो कि आपको वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, और बैकग्राउंड रिमूव करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये थी तीन टूल्स की क्लास, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जवाब दिन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।